Hey students, good afternoon, greetings of the day and warm welcome to our YouTube channel, The Red Rose Official. And students, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट था, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के उस चैप्टर का कुछ पार्ट्स हमारे रह गए थे. और उसके पहले मैंने डिफेक्ट्स ऑफ आईज और ह्यूमन आई के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट वीडियोज़ में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द प्ले लिस्ट बना दिया जाए इस चैनल पे, ताकि आपको हर चैनल की, हर सब्जेक्ट्स की और हर चैप्टर की जो वीडियोस हो वो इकट्ठे मिल जाए. अभी क्या हो रहा होगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब मिक्स चल रहा होगा, तो मैं फिजिक्स वाली सारी एक तरफ कर दूंगा, केमिस्ट्री वाली फिर एक तरफ, फिर बायोलॉजी वाली सारी एक तरफ हो जाएंगी. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. प्रिज्म के थ्रू कैसे लाइट रिफ्रैक्ट करता है. तो रिफ्रैक्ट का बेसिकली मतलब हम लोगों ने देखा हुआ था कि जब भी लाइट हमारा वन मीडियम टू अदर मीडियम जाता है, लाइट क्या होता है, बेंड कर जाता है. लाइट क्या होता है, बेंड करता है. यानी कि व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, इट बेंड्स. डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम्स, इट बेंड्स इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर हमारा जो मीडियम होगा वो रेयर टू डेंसर लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट कहाँ जाएगा, नॉर्मल के तरफ जाएगा. अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा. यहाँ पे हम लोग को दो केसेस याद रखने हैं. फर्स्ट केस क्या है कि इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट क्या होगा, इट विल बेंड. बेंड कहाँ करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल. बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. अगर यही लाइट मेरा डेंसर टू रेयर जाएगा तो लाइट क्या होगा, अवे चला जाएगा नॉर्मल से. मतलब या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा या तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा. इसके लिए मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट भी बताया था, आर डी बी, यानी कि रेयर टू डेंसर बेंड और डेंसर टू रेयर अवे. याद है? अब यहाँ पर भी हम लोगों को ग्लास प्रिज्म में देखना है, तो हम लोगों ने ग्लास स्लैब के थ्रू देखा हुआ था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. लेकिन यहाँ पर एक पिरामिड ले लो, एक पिरामिड, जैसे पिरामिड समझ में आता है सबको इजिप्ट में, जैसे बड़े बड़े वैसे कांच का एक बड़ा सा पिरामिड को ले लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला पिरामिड ले लिया, ठीक. अब मैंने क्या करना है, लाइट इसमें ट्रैवल करवाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए. मैंने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया, इसको मैं बोलता हूँ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म. क्या कहते हैं, ग्लास प्रिज्म. तो इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग फिनोमेना देखेंगे कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो लाइट आ रही है, मैंने कोई लाइट को तुम जैसे मर्जी वैसे भेज सकते हो, जैसे मर्जी, जरूरी नहीं कि बुक में ऐसे दिया तो ऐसे ही करें. मैं तुम लोगों को दोनों केस बताऊंगा, कि तुम लोगों की अपनी मर्जी से भी और एक जो बुक में दिया हुआ वो बता देता हूँ. बुक में क्या देता है, लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है. फॉर एग्जाम्पल लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है, तो दिस इज द इंसिडेंट रे. और जिस सरफेस पे लाइट आती है, ये वाला सरफेस है मेरा, सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनेगा, इस सरफेस, ये सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे होगा. यानी कि जो मेरी नॉर्मल है वो नॉर्मल मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज नॉर्मल. किसी को कोई डाउट? और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ दिस इज एयर, व्हाट मीडियम इज हियर, एयर, दिस इज एयर. एंड ये जो प्रिज्म है वो कौन सा प्रिज्म है, ग्लास. एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 नहीं होता है, 1.53 अपॉन 2 होता है. और इसके बाद फिर लाइट ग्लास, पहले एयर से ग्लास में जा रहा है और फिर ग्लास से कहाँ चला जा रहा है, वापस अगेन एयर है इस साइड, अगेन 1. यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार एयर टू ग्लास और दूसरी बार ग्लास टू एयर. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, फर्स्ट टाइम द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड सेकेंडली द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर. यानी कि हियर क्लियरली वी कैन सी दैट देयर इज टू टाइम, मतलब दो बार, टू टाइम्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन अकर्स टू ट्वाइस. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब ये रेयर से डेंसर जा रहा है, नॉर्मल इधर है. अगर ये ग्लास नहीं होता तो लाइट मेरा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल करता है. लाइट का ये ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट. लेकिन ग्लास आने की वजह से लाइट तो बेंड होगा, लाइट किधर बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ होगा कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर. तो ये जो ऐसे था ये नॉर्मल के तरफ जाएगा, क्योंकि रेयर से डेंसर, रेयर मतलब कम, डेंसर मतलब वैल्यू डेंस ज्यादा है, तो कम से ज्यादा जाएगा तो बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल. तो लाइट ऐसे नहीं जाकर के लाइट क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ होगा,
मान लेते हैं नाइट कुछ इस तरह का ट्रैवल किया नॉर्मल की तरफ, समझा गया? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला रे कौन सा रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच में जो एंगल होगा ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? पक्का मानशु आ रहा समझ में? और क्लियर है, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं, कहीं भी दुनिया में कहीं भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहीं भी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब यहां पे देखो, यहां पर लाइट इंसिडेंट रे गया नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, अब इस पॉइंट पे मैं इस सारी फिनोमेना को भूल गया यहां वाले, अब इस फिनोमेना को देखो, यहां पर मैं इसका नॉर्मल कैसे बनाऊंगा बताओ? सरफेस तो मेरा ऐसे है, सरफेस तो इस तरह से है, 90 डिग्री मेरा ऐसे होता है, तो अगर मैं सरफेस पे इसको ओवरलैप करूं तो मेरा नॉर्मल ऐसे आ रहा है, तो मैंने इस नॉर्मल को यहां पे क्या कर दिया, इस तरीके का बना लिया, दिस इज नॉर्मल सेकंड, लेट दिस बी नॉर्मल फर्स्ट, आ गया सबको समझ? अब यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा ये अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको मैं आई टू मान लेता हूँ, इसको आई वन मान लेता हूँ, इसको आर वन मान लेता हूँ, समझा रहा है? तब यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड हो गया। अब लाइट यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रहा है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, गेटिंग इट? यहाँ पर वंस द लाइट विल गो फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, इफ दिस सरफेस वाज नॉट देयर, अगर ये सरफेस, इफ दिस सरफेस अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वुड इट एग्जिस्ट, इफ दिस सरफेस वुड इट एग्जिस्ट, व्हाट वुड हैपन? दिस लाइट रे वुड गो स्ट्रेट, बट सिंस वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पर एक सरफेस है, देयर इज अ सरफेस एंड देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम अक्रॉस दिस सरफेस, देयरफॉर लाइट विल हैव टू बेंड। नाउ लाइट विल, अगर लाइट को ओरिजिनल पाथ देखो तो लाइट ऐसे जाता, लेकिन लाइट अब ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि सरफेस चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज, सरफेस वही है, सरफेस चेंज नहीं हो रहा, मीडियम चेंज हो रहा है, तो डेंसर मीडियम टू लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स रेयरर मीडियम, तो अब यहाँ पर लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, यानी कि ओरिजिनल पाथ जो होगा वो लाइट का वो मेरा किधर होगा, इस तरफ होगा, दिस इज द ओरिजिनल पाथ जो रिफ्रैक्ट होगा। अब देखो एक चीज, ओरिजिनल पाथ लाइट किधर से आ रहा था? ऐसे लाइट ऐसे आ रहा था, और यहां से कोई देखेगा तो इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, लाइट कहां से आ रहा है? यहां से, इसको लगेगा इधर से, यानी कि क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला लाइट इतना एंगल बेंड करके इधर गया, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि लाइट जो है यहाँ पर इतने एंगल से डेविएट कर गया, समझ में आ गया? पक्का? तो ये होता है पूरा फिनोमेना ग्लास प्रिज्म में कि कैसे लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कैसे वो बेंड करता है, सबको समझ में आया? पक्का? रेडर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ, डेंसर टू रेडर नॉर्मल से दूर, क्लियर? Yes. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर पूछ देता है कोई कि तुम मान लो ये वाला ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि चलो ये ग्लास प्रिज्म है, मेरा लाइट रे ऐसे आ रहा है, मेरा लाइट रे ऐसे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे, अब अगर पूछ दिया जाए कि बताओ ये लाइट किधर जाएगा, तो आधे बच्चे तो बोलेंगे सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन इसमें पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक लॉजिक लगाना है, लॉजिक क्या है कि लाइट यहाँ रेडर टू डेंसर में जा रही है, तो पहले इस सरफेस पे क्या बनाना है हमें, नॉर्मल हमने यहाँ पे बना लिया, मेरा नॉर्मल हो गया फर्स्ट वाला नॉर्मल, अब लाइट ओरिजिनल ऐसे जाता अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, लेकिन मीडियम चेंज है तो लाइट क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल के तरफ, यानी कि ये जो लाइट है ये हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, समझ आ गया? अब इस पॉइंट पर फिर नॉर्मल बनाओ इस सरफेस के लिए, तो ये वाला नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे, अब लाइट एक्चुअली ऐसे जाता, लेकिन अब लाइट ऐसे नहीं जाकर के क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट अब कैसे चला जाएगा, ऐसे, सिंपल, इजी है, पक्का? कहीं से भी देर, बस दिमाग ये लगाना है कि रेयरर टू डेंसर लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कोई दिक्कत? अभी मैं एक डायग्राम दूंगा, ये बुक में दिया हुआ है, वैसे अगर बनाना चाहो तुम बना सकते हो, बुक में एकदम क्लियर दिया हुआ है, अभी मैं एक डायग्राम दूंगा, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, और अपना दिमाग लगा करके तुम्हें बताना है कि लाइट कैसे जाएगा, बेटा दो इसको, ठीक है, बाकी आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, वहां से वीडियो को पॉज करके ड्रॉइंग ड्रॉ कर
कर सकते हैं। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसको बता पाते हैं। दिमाग लगाना अपना अपना सारे लोग। बताइए इसको कि इसका डायग्राम अपने अपने नोटबुक में सब लोग बनाओ। ये इंसिडेंट रहेगा, मेरा फाइनल रे किधर जाएगा, कैसे इसमें रेज बेंड होंगे बताना है आप सबको फटाफट। टाइम इज 20 सेकंड, 20, 19, 80, 60, 14, 12, 10, 8 वो दांत ही दिखाते रह जाएगा। 4, 3, wrong, 2, 1.5, 1.4, 1, 0 टाइम इज अप, कोई नहीं बना पाया। चलो मैं बनाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये बहुत बड़ा प्रिज्म है और प्रिज्म का बेस कैसा है, मिरर है। प्रिज्म का बेस कैसा है, मिरर। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सरफेस पे हमने एक नॉर्मल बनाना है। इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, मैं नॉर्मल के लिए रेड इंक मार्कर यूज कर लेता हूँ। नॉर्मल मेरा बन गया मान लेते हैं इस तरीके का, ठीक। ये मेरा नॉर्मल है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओरिजिनली लाइट कैसे जा रहा था, स्ट्रेट इस तरह से कुछ, ठीक है। अब लाइट क्या करेगा, यहाँ पे लाइट बेंड करेगा किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट यहाँ से ऐसे स्ट्रेट गया, लाइट कैसे गया स्ट्रेट। अब लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट ऐसे नहीं जाकर के लाइट कैसे चला जाएगा, कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पर ये तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से तुम नॉर्मल बनाओ, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब सेम एंगल पे, ज्यादा अलग नहीं करना, एकदम सेम उतने ही एंगल पे लाइट चली गई। ये रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा है रिफ्लेक्टेड रे, और इस सरफेस के लिए जो इंसिडेंट था वो इसका रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे था, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे सबको समझ। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से क्या होगा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इस सरफेस के लिए नॉर्मल बना देना। तो नॉर्मल मैंने ये वाला लिया, मान लेते ये मेरा क्या है, ये सरफेस है, ये मेरा एंगल हो गया, इस पर नॉर्मल मैं मैंने नॉर्मल बना दिया। तो ये लाइट रे को क्या होना था, स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करता है, लेकिन अभी ऐसे ट्रैवल नहीं करके क्या करेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि लाइट विल गो समथिंग लाइक दिस, दिस इज ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया। सो आप लोग इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही आप लोगों के लिए आती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव एन्जॉयड, गुड बाय, जय हिंद।